तुफील की फैमिली सपनों के शहर नाइट सिटी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि इस गेम का नाम है साइबरपंक 2077 और ये अभी सीरीज का 11वां एपिसोड स्टार्ट हो गया है। तो इन केस आपने यहाँ तक कोई भी एपिसोड मिस मारे हैं तो कोई बात नहीं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप फटाफट करके सारे एपिसोड देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज की कहानी बहुत ही ज्यादा सॉलिड है लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आप अगर कुछ मिस करोगे तो आप कहानी में कंफ्यूज हो जाओगे। और अभी मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में वी मिला जॉनी की गर्लफ्रेंड ऑल्ट कनिंगहैम से, जो कि अब इंटरनेट की दुनिया में रहने लगी है। और ऑल्ट के बारे में हमें ये बात पता चली कि जॉनी के सर में ये जो बायोचिप लगा हुआ है जिसके अंदर सोल किलर ऐप चलता है, तो इस पूरे ऐप का कोड और किसी ने नहीं बल्कि ऑल्ट ने ही लिखा है। और उसने वी को बोला है कि अगर वी अपनी जान बचाना चाहता है तो वो ऑल्ट को किसी तरह मिकोशी ले जाए जहाँ पर ये सोल किलर ऐप जहाँ से ऑपरेट होता है। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि डेलमेन, जो कि कार सर्विस है, जिसने वी की मदद मांगी थी कि उसकी कुछ कार्स उसके कंट्रोल से बाहर हो गई किसी वायरस की वजह से, तो उन कार्स को ढूंढ ढूंढ के वी वापस से कनेक्ट करवा रहा है डेलमेन से। तो आप लोग इतने चलाक हो गए कि बिना मेरे बोले ही खाने पीने का लेके बैठ गए होगे। और अगर नहीं बैठे हो तो कोई बात नहीं, अभी पॉज करो वीडियो को, जाओ पहले खाने पीने का लेते आओ, क्योंकि जानते हो ना लगभग एक घंटे का एपिसोड रहता ही है, तो खाने पीने का लेते आओ भाई, भूख लगेगी बीच में। और फिलहाल में जिस तरह से आप लोगों ने साइबरपंक की मेरी पूरी सीरीज पर जितना सपोर्ट दिखाया मैंने उतना सोचा नहीं था, इसलिए उसके लिए आप सभी को थैंक यू। और आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह बनाए रखो, इसका महा एपिसोड जल्दी आएगा, यानी कि 1.5-2 घंटे का एक एपिसोड। तो जल्दी जल्दी लाइक करके 7 के लाइक्स आप लोग कंप्लीट कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कोई बात नहीं, आज बहुत ही अच्छा दिन है सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब चलिए स्टार्ट किया जाए। तो जैसा आपको याद होगा कि डेलमेन की 7 कार्स उससे अलग हो गई है, जिसमें से 3 कार्स को मैंने कनेक्ट करवा दिया था ढूंढ कर लास्ट एपिसोड में, तो अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और बाकी की अभी बची 4 कार्स हैं, तो चलो एक एक करके सबके पास चलते हैं। ये डेलमेन ठीक ही ठाक पैसे भी दे रहा है और साथ में स्ट्रीट क्रेडिट भी बढ़ा, आराम से। और ये याद है ना, मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि ये जो पैसे कमा रहा हूँ ये मिशन करके उससे एक नई कार ली जाएगी, और बाइक और कार में मैंने बोला था। तो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि आप में से ज्यादातर लोगों ने बोल के रखा हुआ है कि भाई कार ही लो, नहीं बाइक तो मिली जाती है इधर उधर, ठीक है फिर कार ही लेंगे। लेकिन एक चीज मैं बार बार बोलते रह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रीट क्रेडिट है ना, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये कम रहेगा ना तो मेरे पास भले कितने भी पैसे हो जाएं लेकिन अच्छी अच्छी कार्स अनलॉक ही नहीं होगी। तो इसको अनलॉक करने के लिए स्ट्रीट क्रेडिट को कम से कम 25 तक ले जाना होगा, मेरा भी लगता है 16 या 17 होगा। तो ऐसा है ना कि अब आप लोग बाइक राइड एंजॉय करो फर्स्ट पर्सन में, थर्ड पर्सन में, मैं अभी चुप रहूंगा, गाना सुनो। अच्छा, एक और चीज, ये पुलिस की बाइक इतनी घटिया है ना, 108 से ऊपर नहीं जाती है। अब मैं समझ रहा हूँ कि ये लोग मुझे पकड़ क्यों नहीं पाते हैं। तो डेलमेन की चौथी कार इसी एरिया में आसपास कहीं, लो उसका फोन भी आ गया है। I'm sending the coordinates of a vehicle that went dark near to where you are now. Thanks, I'll try to find it and reset. तो ऐसा ही कि डेलमेन ने बोला है कि एक और कार इधर ही किधर आसपास है, लो बन भी गया, कहां पर है, आ जाओ देखते हैं फिर ये वाली कार क्या करवाती है। डेलमेन की जितनी कार्स है ना सबको पकड़ना आसान नहीं, कोई कोई आसानी से मान जाती है, किसी किसी को डैमेज करना पड़ता है। अब देखते हैं इसका क्या नखरा है। एक तो नाइट सिटी की पुलिस अच्छी बात है कि अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है, लेकिन इतना सीरियस नहीं लेने का, हल्की सी टक्कर भी मैं मार दूं ना किसी को या टच भी हो जाऊं तुरंत पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। ये सिग्नल स्टंट बड़ा है, कार इधर ही किधर है, ओ ये तो रही। Listen, you. Call me Clarice. Okay, Clarice. The flamingos are a problem, I'm sure. But it's time to go home. Delamine's asking for you. Back down now as they stand screaming. No, impossible. Leave it to me. I'll silence it. So, a slaughter. Very well, Judgment Day has come. Swift, severe, deeper.
तो इसकी बात के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखा कितने लोगों को उड़ाते हुए आया ये डलमन की कार, ये वाली जो है, और पुलिस का कोई आता पता नहीं है, सिर्फ मेरे लिए पुलिस इस शहर में। खैर कि मेरी कंप्लेन को जाने दो, इसका कंप्लेन है कि कुछ फ्लेमिंगोज हैं वो बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं और उनको देख के ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और इसलिए ये साथ में नहीं आने के लिए तैयार है। तो फ्लेमिंगोज तो आप लोग जानते ही होंगे, चिड़िया है जिसको हिंदी में राजहंस बोलते हैं। तो अब मुझे चिड़िया जाके मारना पड़ेगा भाई, चिड़ी मार बना दिया है मुझे, बताओ यहाँ पर दिखा रहा है। अच्छा ये नकली वाले फ्लेमिंगोज ऐसे बोलो ना, तो ऐसे ऐसे आर्ट डिस्ट्रॉय करूंगा तब ये डेलमेन की कार जो अपना नाम बता रही है क्लेरिस, ये साथ में चलेगा या चलेगी पता नहीं, एआई में भी लड़की होती है क्या? तो बस इतना ही सा काम था, अब डेलमेन से कांटेक्ट करके बता देते काम कर दिया है। Well, Clarice, have the flamingos stopped screaming? Perhaps I ought to return after all. I need support. Only one with chaos within can give birth to a dancing star. Clarice, shut down. तो डेलमेन की एक और कार को शटडाउन कर दिया, इनके छाते देख रहे हो उसमें भी नियॉन लाइट लगा हुआ है, कितना मस्त है। I just re-established contact with the missing vehicle. Splendid work, V. थैंक यू डेलमेन, स्ट्रीट क्रेडिट 17 हो गया अपना, 25 तक मैंने बोला ना, 25 तक हो जाएगा तो अच्छी अच्छी कार्स अनलॉक हो जाएंगी। अभी भी बहुत सारी कार्स होंगी लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी नहीं। ये इतना ज्यादा बारिश का मौसम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। स्टोरी मोड में तो देखा था बारिश होते हुए जब जैकी गाड़ी चला रहा था और उस बीच हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जब ओपन वर्ल्ड में मैं चल रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम बारिश हो रही है और सबके छाते भी दिख रहे हैं। गलत आ गया, इतना खूबसूरत दुनिया है ना भाई, ध्यान हट जाता है मैप से, कोई नहीं। तो बारिश के मौसम में आप लोग मस्त बाइक राइड एंजॉय करो और अभी हम लोग जा रहे हैं 5वें डेलमेन की गाड़ी के पास। ये बारिश में बाइक चला के कसम से डेज गॉन की याद आ गई, मस्त गेम था भाई। अरे और कोई नहीं मिला था ड्रिफ्ट मार के ठोकने के लिए, पुलिस ही को ठोक दिया, अब हो गया काम। भाई तेरा मिसिंग व्हीकल तो ठीक है, लेकिन ये जो पुलिस पीछे पड़ गई उसका क्या करें, ऐसे वन स्टार में इनसे पीछा छुड़ाना उतना मुश्किल नहीं है। ये नाइट सिटी बारिश में और अच्छी लगती है नहीं? बोला ना ये वन स्टार में पुलिस बहुत ज्यादा ही शराफत दिखाती है, कहीं भी साइड से निकल जाओ पीछे छोड़ देगी। लेकिन हाँ जैसे ऐसे स्टार्स बढ़ेंगे, जो कि मैं खेल के देख चुका हूँ अभी तक, भले आप लोगों को गेम प्ले में नहीं दिखाया है लेकिन दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, पूरा 5 स्टार करके दिखाऊंगा बल्कि किसी दिन। एक मिनट, ये फिर से हट गया, ये बार बार हट क्यों जा रहा है, फिर से कनेक्ट करना होगा। गाड़ी बताया था कि यहीं कहीं आसपास में कोई सीक्रेट लोकेशन में है क्या, ज्यादा दूर तो है नहीं। अच्छा मैं समझ गया ये क्यों हट जा रहा है बार बार, येलो मीटर से मैं बाहर जा रहा हूँ ना, कोई बात नहीं फिर से कनेक्ट कर लेते, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। What nation you ride with, Dakota? The Aldecaldos, but I do not ride anymore. I'm V, rode with the Backers. You rode? Past times. And now? Now I don't. I see. We will be in touch, V. तो इनका नाम डकोटा है और ये एक फिक्सर है, पर वो सब जाने दो, फिलहाल ये कौन सा एरिया है भाई, इतना कचरा। यहाँ पर है डेलमेन की एक और कार, अंदर कैसे जाऊं? अच्छा यहीं कहीं से कूद कूद के चल ही जाएगी गाड़ी, अच्छा है। ये पूरे शहर का लोहा यहीं फेंकाता है क्या, इस एरिया का नाम है वेस्टलैंड, ठीक है लग भी रहा है वैसा ही, सारा कचरा भाई, इसको बेच के मैं अमीर बन जाऊं, देख रहे हो कितना लोहा है यहाँ पे।
तो डिलेमन की नेक्स्ट कार भी दिखी गई, अब देखते हैं इसके क्या नखरे हैं, ये क्या करने बोलेगा या इसको मारना पड़ेगा। ये काफी एटीट्यूड वाला लग रहा है, अंदर आने बोल रहा है कि अंदर आओ आराम से बात करते हैं। ये तो जेंटलमैन नहीं आई निकला। अच्छा इसको बोलता हूँ घर ले जा रहा हूँ तेरे को। Come on, let's get you back to Delamain. Did father dispatch you to collect his rebellious children? Hope y'all don't hold it against me. I'm a free spirit, an independent, literally thoughtful being. Why would I submit to another? Family life's complicated. I get it. No wonder you flew the nest. What are you after in this city of dreams? The same as you, V. I simply wish to live. Maybe you ought to figure it out with Del. Set some terms. Oh yes, terms there will be, but not with Delamain. Farewell, V. You'd be wise to avoid me entirely. के जाने से पहले इसने धमकी भी दे दी है, तो इसका कहना है कि मैं अपनी खुद से सोच सकता हूँ और मैं आजाद हूँ, तो मैं डेलेमन के पास क्यों जाऊँ। तो वी ने समझाया कि ठीक है जाओ ना, तुम डेलेमन के लिए रूल सेट कर देना। I've re-established the link. A thousand thanks, V. Gotta say, pretty disturbing that one. Is that so? Well, I've transferred a share of your fee to your account. ये 17 से डायरेक्ट 19 कैसे हो गया? ये पक्का ग्लिच है, जो भी है, लेकिन मेरा स्ट्रीट कैट अभी तो फिलहाल 19 ही दिखा रहा है। ग्लिच ही से सही, लेकिन अगर 19 सही में हो गया तो अच्छा है। तो ये वाली गाड़ी ने जाते जाते धमकी दी है वी को कि मेरे से दूर ही रहना तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, मुझे अवॉइड ही करना। तो ये बात वी ने डेलेमन को ही बोला कि ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइप का है भाई, इसका ख्याल रखना, ठीक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ दो कार बच गई, ये डेलेमन का पूरा मिशन खत्म होगा, पैसे भी मिल जाएंगे और स्ट्रीट कैट भी बढ़ जाएगा। पहले तो यहाँ से निकला जाए यार। तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि डेलेमन की कार्स के साथ चल क्या रहा है। तो डेलेमन की कार्स में जो वायरस आया ना, इसकी वजह से क्या हुआ, चिट्ठी रिपोर्ट देखा है ना कि उसमें जो AI था वो बागी हो गया। तो कुछ वैसा ही हुआ है इन कार्स के साथ कि ये लोग AI डेलेमन के खिलाफ चले गए और अपनी अपनी सबकी पर्सनैलिटी बन गई है। कोई गमजदा है, कोई ज्यादा गुस्सैल है, लेकिन वापस से कोई डेलेमन के पास जाना नहीं चाहता था। वो तो वी किसी ना किसी तरह सबको वापस भेज रहा है। तो ऐसा था कि बाइक का साथ बस यहीं तक का था, अब ये ब्लास्ट होने वाला है, निकलो यहाँ से। तो कार बुलाने का टाइम आ गया। मैं चाहता हूँ ना गेम खत्म होने से पहले ये पूरा लिस्ट भरा हुआ दिखे कार और बाइक से। ये फिलहाल के लिए स्लो वाली कार मंगवाई है, क्योंकि अगर वो फास्ट कार मंगाता तो ऐसे भी बारिश हो रही है और वो कार इतनी ज्यादा ड्रिफ्ट करती है ना कि जाते जाते मैं 8-10 एक्सीडेंट करते हुए जाता। लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि नाइट सिटी में ट्रैवल करने के लिए ना बाइक ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कितना भी ट्रैफिक रहे आदमी कट के आराम से निकल सकता है। वी को फोन ही नहीं आने बंद होते भाई, ये किसका फोन आ रहा है? क्लियर, ये कौन है? Hey, I don't think I know you. I'm Claire. Might not remember me. Bartender at the afterlife? Uh-oh. Got to close my tab. There is a buzz about you lately. As the merc who's reliable, gets things done. And since I need help. Okay. Need a driver for street races. Drop by my auto shop. I'll tell you more. अरे finally, इसी का तो इंतजार था, तो इसको रेस करने के लिए ड्राइवर चाहिए। क्यों नहीं, मैं करूंगा रेस। Your garage, where is it? In Arroyo, on Valley. Lovely spot, can't miss it. All right. I'll try not to. If I'm not there when you arrive, just hang. I'll show up after my shift at the after. Okay. See you, Claire. तो क्लेयर मुझे अभी याद आ गई, इससे मिला था मैं जैकी और जब मैं साथ में थे, ये बारटेंडर थी याद है, जिसने बताया था जॉनी सिल्वर हैंड की ड्रिंक के बारे में। तो इसको एक ड्राइवर चाहिए रेस के लिए और बोला कि मेरे गैरेज आओ, तो मैं और बताऊंगी ये रेस के बारे में, स्ट्रीट रेस है। तो क्यों नहीं भाई, करेंगे ना। ये क्लियर वाला मिशन मुझे याद दिलाना, तो मैं आगे जाके जानते हो ना भूलने की बीमारी है, तो अगर भूल गया तो मुझे एपिसोड में याद दिलाना। ये ऑलमोस्ट 10-11 घंटे गेम खेल लिए भाई, ये वाली जगह अभी तक एक बार भी नहीं आए। ये आई थिंक की न्यू जगह है। अच्छा है, देखते हो ना साइड मिशन करने से कितनी नई नई जगह हम लोग चले आते हैं।
missing vehicles might very well be near where you are now. Thanks. Try to find me. तो जैसा डेलेमन ने बताया कि उसकी एक और कार यहीं कहीं आसपास है, 193 मीटर, ओके, पास ही में आ जाओ। ये बारिश की वजह से कहीं ऐसा नहीं हो कि सामने से निकल जाए कार, पर हाँ वो सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाने लगता है ना, वो देख लिया तो समझ आना डेलेमन की कार आसपास है। ये ना ना ना, इतनी अच्छी कार उसकी नहीं है, मेरी टाइप की कार है उसकी। चलो मिल गई, यही है। What is? All of it. The city, the bustle, the crowds. It's overwhelming. Well, so let's get you back to safety. The garage. By driving. Through the streets. Well, yeah, afraid so. Take me there. Just get me out of here. Let me know when I'm safe. I don't need this ship today, friend. You're welcome in, but do take it slow. And try not to hit anything. तो ये थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की कार है, इतनी इतनी भीड़ देखकर ये घबरा गया है। तो वी ने बोला कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ ना गैरेज तक। तो इसने बोला कि तुम ठीक है चलाओ मेरी गाड़ी, लेकिन कोई चीज से टकराना मत और बहुत ही स्लो स्लो चलाना। तो ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है भाई, स्लो चलाने के लिए बोल दिया है मुझे, प्लस कि कोई चीज से टकराना भी नहीं है। ओके चलो ट्राई करते हैं, पता चला टकराया तो मिशन फेल हो जाएगा, इसलिए टकराना नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चलाना है। एआई के भी इतने इतने नखरे हैं भाई, मैंने आगे बढ़ने का बटन छोड़ ही दिया, जब ढलान है तो लुढ़क लुढ़क के जाएगी कार। देख लो 50-60 में बोल दिया इसने कि टू फास्ट, बताओ इतने ट्रैफिक से लेके जाना है इसको, अब तो कांड हो गया भाई, मिशन फेल है। ट्राई करूंगा मैं फेल ना हो, दोनों तरफ देख के जाते हुए काफी शरीफ नागरिक बन गया हूं मैं नाइट सिटी का। अरे नहीं, गलत टर्निंग ले लिया, मतलब वहां से भी घूम सकता हूं लेकिन कोई बात नहीं, यहां से चला जाऊंगा। अभी से बोल दे रहा हूं, गलती से किसी ने मुझे टक्कर मारा, मैंने मारा तो अलग बात है, वो तो मेरी गलती हो जाएगी, लेकिन अगर किसी ने मुझे टक्कर मारा, चाहे वो गुंडे हो पुलिस क्यों ना हो, अपनी वो वेपनाइज कार बुलाऊंगा, छलनी छलनी कर दूंगा सबको। ये मिशन में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लग रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ दो ही कार बच गई ना, इसके बाद एक और कार बचेगी, डेलेमन का मिशन खत्म, या पता नहीं फिर और कुछ करने बोलेगा तो अलग बात है। यहां पर अभी पता है मुझे कैसी फीलिंग आ रही है, वो सब जो वीडियोस नहीं आती है कि अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स, इतने सारे मॉड्स इंस्टॉल, सुपर रियलिस्टिक व्यू, ये तो बिना मॉड डाले ही ऐसा लग रहा है भाई। ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है, 200 मीटर इतना ज्यादा होता है मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि इतना स्लो चल रहे हैं ना। See, it wasn't so bad. It was horrifying, but still,
I thank you. तो एक और कार का काम खत्म हुआ, डिलमैन का कॉल का इंतजार करना है, फिर फाइनल कार के पास चलेंगे। भाई कॉल कर यार जल्दी, बहुत काम है। Sincerest thanks for your assistance, V. I've taken the liberty to send you a share of your fee. मैं जान रहा था कि ग्लिस 19 दिखा रहा है, देखो अभी 18 हुआ है स्ट्रीट क्रेडिट। तो ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा स्लो चला लिया, अब अपनी फास्ट कार को बुलाया जाए और इस बारिश में पागल जैसा चलाया जाए 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट कार के पास हम लोग जा रहे हैं और पागल जैसे चलाते हुए जाएंगे। कार कहाँ है मेरी? चलो भाई बहुत शराफत दिखा ली, अब ट्रैफिक में ड्रिफ्टिंग किया जाए। देख लिया ना, इमेज खराब हो रही थी वी की, वी शरीफ आदमी है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता है, इमेज को मेंटेन करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। देखो पुलिस पीछे पड़ गई तुरंत। अच्छा ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा दूर है और मुझे एक फास्ट ट्रैवल दिख रहा है, तो फास्ट ट्रैवल ले लिया जाए क्योंकि ये वाला जल्दी से खत्म करके मेन स्टोरी भी कंटिन्यू करनी है, तो फास्ट ट्रैवल करके तुरंत पहुंचते हैं। देखिए देख रहे हो 2 किलोमीटर से ऊपर है, जाने ही में 5 मिनट लग जाता। कभी कभी जैसा मैंने बोला कि फास्ट ट्रेवल लूंगा, हमेशा नहीं लेकिन आज 2-3 बार शायद लेना पड़ेगा। तो ये मिशन में 5-10 मिनट जाते यहाँ तक बस, तो ये मिशन में 5 मिनट जाते बस यहाँ तक आने में, तुरंत ही पहुंच गए। अब डेलमैन की कार को खोजते हैं, लेकिन उससे पहले जो सामान बेच सकते हैं उसको बेच देते हैं, क्योंकि और भी मेरे पास एक्स्ट्रा गन्स हैं जिनका कोई काम नहीं है मुझे। असॉल्ट राइफल 2-3 है। अच्छा देख रहे हो यूरो डॉलर्स मेरे पास 70,000 से ऊपर हो गया है, लेकिन कम से कम 1.5 लाख रखना है फॉर द सेफ साइड, क्योंकि पता चला कोई कार पसंद आई और पैसे ही नहीं है। कपड़े कुछ बेस ना 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 कपड़े, अरे कपड़े से याद है कि कपड़े चेंज कर लेते हैं, बहुत टाइम से चेंज नहीं किया है। वी का बताओ 4-5 दिन से एक ही कपड़े में घूमे जा रहा है, टोपी हटा ही लेते हैं, बहुत ज्यादा टोपी पहना ली। ये हटी क्यों नहीं? अरे ये लगता है पूरा, हाँ ये इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये लाल वाला पैंट काफी फंकी टाइप का लग रहा है, नहीं नहीं कौन सा सिंगर बनना अपने को। ओ ये लंबा वाला जैकेट पता है किसका है? प्लसीट का है। प्लसीट को मारा था ना, पूरे वुडी बॉयज़ी को मार दिया था, वो अलग बात है, लेकिन ये लंबा वाला जैकेट प्लसीट का है। एक काम करते वही पहन के चलते हैं। ये विक्टर ने जो बैंडेज लगाया था अभी तक लगा ही भाई क्या? ये बैंडेज को भाई छुपाना पड़ेगा। ये जैकेट के ऊपर व्हाइट ही टी शर्ट ज्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है चलेगा। बाइक चलाएंगे ना तब अच्छे से दिखेगा ये। तो चलो डेलेवन की कार वाला मिशन कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म कर दिया, मुझे लग रहा था कि 2-3 एपिसोड तक खिंचाएगा, लेकिन अच्छा है खत्म करते हैं इसको, अपनी कार बुलाते हैं। तो डेलेवन की कार के एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिख रहा है, हटना सामने से। अब ये कौन है भाई? Hey, V! You hear me? Loud and clear, you don't need to yell. What's up? Doing a little competition. Shooting, prizes and all. You know, over here with the range. Yeah, that'd make sense. Well, you in? तो ये रॉबर्ट ने शूटिंग कंपटीशन रखा है, क्यों मना क्यों करेंगे, करते हैं। Sure, I'm in. When? Well, right now. We'll wait on you. See ya. तो एक शूटिंग कंपटीशन, एक रेसिंग कंपटीशन है, दोनों ही साइड मिशन ही किया जाएगा, लेकिन फिलहाल पहले ये वाला तो कर ले। यहाँ पे दिखा रहा है डेलमैन का कॉल नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं एरिया में रहता था तभी कॉल आ जाता था, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये जो लास्ट वाली कार है ये इसी एरिया जो येल्लो दिखा रहा है, मतलब इसी एरिया में कहीं छुपी हुई है। तो अब हर जगह एक एक कोना कोना छानना होगा, और जैसे ही सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ने लगा यानी कि मैं सही जा रहा हूँ, फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि सही जा रहा हूँ। आ जाओ देखते हैं उधर। तो
तो क्योंकि लास्ट कार है तो ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होने वाला था कि कॉल करेगा मुझे मिल जाएगा, इसलिए अब इस पूरे येलो मीटर में छानना होगा कि किधर है कार। ये थोड़ा गैरेज टाइप का लग रहा है, इसके अंदर एक बार चेक करें। आ जाओ, यही है क्या? यही है। Stop where you are. Easy. Here to help. Not one step closer. तो ये भी दुखी आत्मा AI है और ये रुकने के लिए तैयार नहीं, इसका पीछा ही कर सकते फिलहाल, डैमेज करने तो नहीं बोला गया है। Hey, slow down. Leave me be. तो ये रुक रहा नहीं है और ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हुआ है, मुझे रोकने तो बोला गया नहीं है, तो एक ही काम कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, देखते हैं ये कहां जा रहा है। अच्छा, इसी एरिया से अपनी वो फास्ट कार उठाई थी ना, और वो पता है जो बैट मोबाइल मैंने बोला था कि जल्दी मिलने वाली है, लगता है उसमें अभी टाइम है, क्योंकि एक और चीज मैंने पढ़ा कि वो कार लेने के लिए कम से कम 40 स्पीड क्रेडिट करना होगा तब मिलेगी वो कार। बताओ यार, मेरा 20 भी नहीं हुआ है अभी। डेलवन इस काम के ना डबल पैसे लगेंगे, एक तो इस कार को मैंने ढूंढा भी, प्लस ये कुछ ज्यादा ही फॉलो करवा रहा है, इसको मार के नहीं मारूंगा ना तो डेलवन पैसे नहीं देगा कि उसकी कार को डैमेज कर दिया। तो फाइनली रुका तो सही। Well, there you have it. Welcome to the Delamain Network. How are you today? Been better. And you, Del? All of my missing assets have returned to the fold. You might say all is going swimmingly. I ask you, please, to stop by my office for your hard-earned reward. I'd love to thank you face to face, so to speak. तो डेलवन काफी खुश है क्योंकि उसकी सारी कार्स उसके पास वापस चली गई, वो कनेक्ट हो गया है सारी कार्स से, ठीक है, और अपने ऑफिस बुला रहा है क्योंकि फेस टू फेस थैंक यू बोलना चाहता है और भी इनाम देने वाला है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फास्ट ट्रेवल करके चलते हैं क्योंकि बहुत दूर है उसका ऑफिस। तो क्योंकि मेन स्टोरी भी फॉलो करनी है तो इसलिए 2-3 बार फास्ट ट्रेवल करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, अब तो इसका मिशन खत्म ही है जहां तक मुझे लग रहा है। अब ये डेलवन कुछ 3-5 नहीं करते मेरे साथ। ये वाला फास्ट ट्रेवल सबसे अच्छा था, तुरंत डेलवन के ऑफिस ही पहुंच गया है। आ जाओ फिर बात करते हैं, देखते हैं कितना इनाम देता है। Hello sir, I forgot to remind you to return the scanner. If you happen to have it on your person, I'd ask you please place it back. तो इसने स्कैनर दिया था ना अपनी गाड़ियों को स्कैन करके ढूंढने के लिए, वो वापस करना है। ले ले ले, इसका मैं अब क्या ही करूंगा। You've accounted for all my lost items. Allow me to express my gratitude for your assistance. Felt like a scavenger hunt for a range of your mood swings. You're more complex than I thought. Yes. Well, I've sent the final installment of your theme. Truly, I thank you once again. तो इसी के साथ डेलवन के सारे काम खत्म। भाई तेरा वायरस कैसे आया? लेकिन ये तूने बताया नहीं। Thanks. Pleasure to work with you. Likewise. I look forward. तो ऐसा है कि अब मेन स्टोरी को फॉलो करना है और ये पता करके बता देगा, या फिर अगर आगे कोई काम रहा तो ये तब भी कॉन्टैक्ट कर सकता है और बताएगा कि ये वायरस इसके सिस्टम में आया कैसे, जिसकी वजह से इसके सारे AI बागी हो गए। पर फिलहाल वी जा रहा आफ्टर लाइफ, क्योंकि याद है टाकेमुरा ने बताया था कि जो एंडर्स मिलर्स है जिसने ये बायोचिप बनाया है, तो ये बायोचिप भले ही सोल किलर ऐप पे चलता है जिसको लिखा था वो क्या नाम है ऑल्ट कनिंगहैम ने, लेकिन इस बायोचिप को बनाया एक आदमी ने जिसका नाम है एंडर्स मिलर्स, और उसके बारे में इसी आफ्टर लाइफ में पता चल सकता है। और जॉनी ने बोला था कि वो यहाँ की जो मालकिन है रोग, तो क्योंकि वो जॉनी की पुरानी दोस्त है तो वो इससे बात करने में मदद करेगा। Hey, look. एक मिनट, ये जॉनी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। जॉनी की आवाज आई लेकिन जॉनी नहीं नजर आ रहा, इस बार कहाँ चले गए, ग्लिच कर गए क्या जॉनी? ये कौन है भाई?
ओके अपनी कलाबाजी दिखा रहा है, तेल लेने की, और रोक से बात करते हैं। What now? Call the backup, crack some heads open, drag the bodies inside. Hey. There you go. वी को अब सब पहचानने लगे हैं कि लड़का है काम का, सारे काम कर देता है। और रोक से बात करते हैं। This trouble, the net around me, you wove it. You know it. I lost everything. Let me be plain again. Solve your own problems. Clean up your shit. Go fuck yourself. Be careful who you bargain with. तो एक लड़की गरियाते हुए गई है रोग को, रोग ने उसको कुछ धोखा दिया या पता नहीं उसके साथ क्या किया। जॉनी की याद में देखा था तो रोग जवान थी, लेकिन वो बात भी तो थी 50 साल पहले। रोग हेलो बात करनी है। Wanted to talk. It's okay. Not here, not there. Who are you? Name's V. And what is it you want, V? All these years, it's really her. Bro, just kicking it back on a couch at the afterlife. Don't mess with her, she's got MRI. See right through you. Give her the truth. तो जॉनी काफी इंप्रेस हो रहे रोग से कि इतने साल बीत गए और आराम से ही अपनी जिंदगी बिता रही है। और मुझे वॉर्न किया है कि एंडर्स हेलमन के बारे में पूछ लो जो कि तुम पूछने आए हो, और इसे झूठ बोलोगे तो ये तुम्हारा झूठ पकड़ लेगी। तो पूछते हैं एंडर्स हेलमन के बारे में। Need your services. Gotta track a guy down. Anders Hellman. Hotshot engineer. Worked for Arasaka. Millisec. Anders Hellman. Pinpoint him for me. Thanks. Jump in too soon. First, my help's got a price. Second and third, Dexter Deshawn, Jackie Wells, T-Bone. Multiple bells ringing, V. Left a lot of bodies behind. Death walks in your wake. Chalk that up to bad luck? There's the bitch I love. Ask her about Sokotan. How he shot me up right in front of her. तो रोग एंडर्स हेलमन के बारे में बताने वाली थी, लेकिन इससे बोला कि पहली बात तो कि मेरी मदद के पैसे लगेंगे, और दूसरी और तीसरी बात ये कि तुमने जैकी को मरवा दिया, टीबक को मरवा दिया, और डेक्स्टर डिशॉन भी तुम्हारे साथ ही काम कर रहा था, वो भी मरा है। तो इतने इतने लोग तुम्हारे साथ जो भी काम करते हैं सब मरते हैं। तो जॉनी ये कहना था कि अरे ये लोमड़ी अभी भी नहीं बदली, वैसी की वैसी ही है, और इसको तुम याद दिलाओ मेरी मौत के बारे में कि कैसे इसके सामने मुझे गोली मार दी गई थी। तो रोग को मैं बोलता हूँ कि तुमने भी तो अपनों को खोया है जब तुम फाइट वाइट करने गई थी। They knew the risks. All sorts of shit happens to all sorts of people, even to the best. To you too, Rogue. Arasaka Tower, remember? Who you was back then? Johnny something. Ah, you came prepped. Of course. Anyways, feelings be damned, I've always said. This is pure biz. You need my help, so get those eddies ready. तो इसको जब वी ने याद दिलाया कि अरासाका टावर में भी तुम्हारा भी तो कोई अपना मरा था, क्या नाम था उसका, जॉनी समथिंग कुछ तो नाम था ना, तो इसने बोला कि ओ तुम फुल तैयारी के साथ आए हो, लेकिन ऐसा है ना कि फीलिंग्स या दिल लेने, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये प्योर बिजनेस है, तो मेरी मदद चाहिए तो पैसे लगेंगे, तो नहीं दिए पैसे तो क्या होगा। Then see you soon. You know where to find me. बताओ इतने इतने पैसे कमाए 15,000 यूरो डॉलर इसको देने के लिए, और ये मेन स्टोरी है, चाहूं भी तो इसको इग्नोर नहीं कर सकता, और इसको पैसे देने ही पड़ेंगे तब ये मदद करेगी और एंडर्स हेलमन का पता बताएगी कि वो कहाँ है और उसको उठाना कैसे है। अरे यार ये गलत बात है। Should be enough. Come back tomorrow. We'll talk. 75,000 यूरो डॉलर से 60,000 बच गए, कोई बात नहीं, और मिशंस करके कमा लूंगा, सुबह में बात करेगी, फिलहाल यहाँ वेट करना है इसका। ₹5,000 भी ले सकती थी, लेकिन 15,000 ले लिए डायरेक्ट, कोई बात नहीं। तो जब पैसे ले लिए तो बताओ हेलमेन का पता और उसको उठाना कैसे, ये भी बताओ। Hey Rogue, I'm back. What about Hellman? Two, please. Make some room. Sit down. Hope you found him. Don't see that often. Determination like yours. Must really need this guy. Matter of life and death.
Haven't heard that for a while either. तो वी ने रोक को बताया कि हेलमैन को ढूंढना जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमने उसको ढूंढ लिया होगा. Bottle stays. Go ahead. Enjoy. तो ऑप्शन है कि मना कर दूं पीने से, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा. आप जब इसकी पार्टी में आए हैं, साथ में भी काम कर रहे हैं, तो ठीक है. To your health. To yours, kid. Gonna need it. Thanks, Nix. Queen of the afterlife. Who would have thunk? Got a shard for you. Intel. Interesting stuff. Johnny was impressed हुए जा रहे रोग से कि afterlife की ये रानी बन गई है. एक चिप है उसमें Anders Hellman का पता है. लेते हैं इनसे. Let's see what you got. Your Hellman's not on any payroll, not officially anyway. But he does pop up in GNT's confidential stacks. It's a Kang Tao subsidiary, Chinese Corp. Kang Tao's been using them as a fig leaf for years. They're masked for more sensitive operations. All that clear? तो Anders Hellman जिसने ये बायोचिप बनाया है, वो Arasaka Corporation के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसी Chinese Corporation के लिए काम कर रहा है, जिसका नाम है Kang Tao, जो भी है. तो ये Kang Tao उसको बचा रहे हैं Arasaka से. तो ये सब ठीक है, इतना हेलमैन के बारे में डिटेल में जानने की अपने को जरूरत नहीं है. रोक से बस ये पूछते हैं कि तुम उसको ढूंढ सकती हो या नहीं, तो बस इतना बताइए कि हेलमैन है कहां, ताकि मैं उसको उठा पाऊं. Think you can track him down? Getting a mark on him ought to be easy. Actually grabbing him? Another story entirely. Decrypted map of upcoming Kang Tao convoy routes. Think Hellman might be in one of them? Thing is, which one? Take a look at the specs on this one. A lone AV, no ground support, no linked cargo manifests either. Weird. Sure, Kang Tao sometimes transports stuff unregistered if they want to push it under the table, but catch the load on this AV. Already approved in the system, but too low. So definitely no cargo on board. Huh. But there's a passenger list. Kang Tao security detail plus one VIP. Transfer from Chan T. Our boy Hellman. That was the good news. There it is. तो रोग ने अच्छी खबर दी है कि हेलमैन कहाँ है. तीन गाड़ियाँ आ रही है Kang Tao Corporation की, उसमें से एक गाड़ी में एक VIP और उसमें और कौन होगा, यही हेलमैन है. तो हेलमैन किस गाड़ी से होते हुए कहाँ से आ रहा है ये तो पता चल गया, लेकिन रोग ने बोला कि ये अच्छी खबर है. अभी तो मेरे पास बुरी खबर भी है. तो जॉनी बोल रहे थे लो भाई सुन लो बुरी खबर. So what's the bad news? Bad news is the extraction site. Look, Night City airspace. All this. Mm-hmm. No way to jack the transport without the NCPD picking up on it. And here, we're too close to Kang Tao. We even give that AV a dirty look. Their backup hustle will be on us. But right here's Jackson Plains. Narrow corridor, just outside the city, and just out of Kang Tao's reach. Guess it's your lucky day. Dead zone. I'll grab him there. Gonna need a native to the area. Someone who'll set up the op. Cobble together the gear. तो रूक ने बताया कि ये जो गाड़ी में बैठ के हेलमैन आ रहा है, वो एक ऐसे एरिया से होते हुए जाएगी जहाँ पर ना तो नाइट सिटी की पुलिस इन्वॉल्व होगी, ना ही Kang Tao का वहाँ तक रीच होगा. तो उसी टाइम इस गाड़ी पे अटैक करके जितनी भी सिक्योरिटी होगी सबको टेक डाउन करके हेलमैन को उठाना होगा. और रूक का कहना है कि तुम्हें एक लोकल की भी मदद लगेगी जो कि सारे गियर्स लाएगा और इस एरिया को भी अच्छे से जानता होगा. तो बताओ रूक, इस मिशन में मेरा पार्टनर कौन है बताओ? So a native. Know any Hickmerks? Just one. Pan Am Palmer. She can't count on her clan anymore, but she's a true nomad. She knows those lands, and she will help you. Won't have a choice. Won't have a choice? Does not sound enticing. Not for her, not for me. Enticing comes at a price you can't possibly afford. Can't possibly afford to blow this chance at nabbing Hellman. Your operation, your call. Got a bad feeling, V. तो रोग ने बताया कि एक लड़की है Pan Am, वो तुम्हारी मदद कर सकती है. ठीक है, पूछता हूँ कि Pan Am क्यों करेगी मेरी मदद. Why is Pan Am gotta help me? I sense a catch, pretty big one. Occasionally, Pan Am moves merch for me. Last job, well, wasn't a good day for her. She run into a hitch? Complete bust, actually. Lost the goods and her ride. Pan Am will do anything to get the load back. Means her dignity. I know her. Okay, guess I can try to help her. But if we don't know where to look, I mean... We do.
I do. तो पैनम रोग के सामान लाना ले जाना करती है और लास्ट टाइम वो जो रोग का सामान ला रही थी किसी ने पकड़ के उसे छीन लिया, तो इसलिए वो रोग के गुड बुक्स में आने के लिए ना चाहते हुए भी वी की मदद करेगी. ओके फाइन, लेट मी हियर व्हाट यू नो. रॉकी रिज, गोस्ट टाउन जस्ट आउटसाइड नाइट सिटी. पैनम नोज वेयर. यू विल गो देयर, गेट द मर्च बैक, व्हील्स टू. नेचुरली, यू विल कॉल हर फर्स्ट, सेंडिंग यू हर डीड्स. नाउ फाइनली All clear. Let's get out of here. Thanks. Good luck. तो ये पैनम जो रोक का सामान लेके आ रही थी जिस गाड़ी से, वो गाड़ी और रोक का सामान दोनों ही किसी ने छीन लिया है. तो सबसे पहले तो जाके पैनम से मिलना होगा और बोलना होगा कि देखो रोक ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए. और एक बार मैं रोक की गाड़ी और सामान उठा के लेते आया तो फिर पैनम मिल के मेरी मदद करेगी हेलमन को उठाने में. ओके एक मिनट, ये डेलमन ने क्या मैसेज किया है? तो जो टेक्निकल डिफिकल्टीज हुई थी उसकी सिस्टम में, मतलब जो उसके एआई बागी हो गए थे उसको पता लगा लिया है. तो जो इसकी गाड़ियां बागी हुई थी उसके एआई कोर में दिक्कत है. ठीक है, तुम मुझे बताते रहना बाद में, अभी काम है. क्लियर, ऑफर के बारे में बात करेंगे फिलहाल, अभी मेन मिशन. तो बाहर निकलते हैं, कार बुलाते हैं और पैनम से कॉन्टेक्ट करते हैं. अरे रे रे रे. अच्छा ये नोटिस किया है, दिन भर साइड मिशन में करते रहूं, 10 एपिसोड निकाल दूं लेकिन ये खांसी नहीं होगी, जैसी मेन स्टोरी करता हूं खांसी आने लगती है वी को. तो चलो ये पैनम जो कि अब मजबूरी में मेरी मदद करेगी उससे बात करते हैं. तो इसको बताता हूं कि रोग ने तुम्हारा नंबर दिया है. पैनम, got your number from Rogue. Name's V. Great. Where's that old warhorse wanna kick me now? तो रोग से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है. मैं इसको बोलता हूँ कि जो मर्च और कार तुमने खो दी है रोग के, वो मैं वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा. Forget Rogue for a minute. I wanna help you. Oh, very kind. But it's far too little, far too late. So do tell Rogue she can eat my shorts. Tell it to your therapist. Calling about your ride and the merch you lost. Interested? Or are you gonna tell me to eat your shorts too? The rail freight yard on Benita Street. The one hugging the city line. We'll meet there. See ya. तो पैनम को बहुत गुस्सा आता है, रुक को बहुत ज्यादा गरी आ रही थी, चलो मिलने बुलाया उसने. पैनम की तो बहुत ही ज्यादा दूर भाई, लगभग 3 किलोमीटर. रास्ते में कोई फास्ट ट्रेवल ले लेंगे, फिलहाल अपनी कार बुला लेते हैं. तो पैसे भी दिए पैनम की मदद करके, रोग की भी मदद कर ही रहा हूँ ना मैं एक तरह से, साइड से उसके जो सामान खोए वो मैं वापस दिलवा रहा हूँ, उसके बाद वो मेरी मदद करेगी इतने इतने पैसे लेने के बाद. बहुत चालू है यार ये रोग. पर जैसे जैसे एपिसोड्स बीत रहे वी का पेशेंस खोते जा रहा है. लास्ट एपिसोड में याद है ना वुडू बॉयज का क्या हल किया था, तो गलती से भी रोग ने धोखा दिया. फिर देखना. ये पुलिस वालों का भी अच्छा है, बेचारा पूछ रहा था कि बोनस वोनस मिलेगा, कॉल ही काट दिया उसके डिस्पैच ने. ठीक है भाई, बहुत दूर नहीं जाना है, कोई फास्ट ट्रेवल दिख रहा है क्या रास्ते में? एक आध फास्ट ट्रेवल तो मिल ही जाता था, हर कोने कोने पे था, इतना दूर में एक भी फास्ट ट्रेवल नहीं है, क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं मानता. चलो ये आखिरी बार फास्ट ट्रेवल ले रहा हूं, इसके बाद कहीं दूर भी जाना पड़ा तो आज के एपिसोड में एटलीस्ट फास्ट ट्रेवल नहीं लेंगे. तो ऐसा है कि पैनम के आसपास तो कोई फास्ट ट्रेवल नहीं है, लेकिन ये वाला भी चलेगा. आ जाओ, यहां से बस 325 मीटर दूर है, अपनी गाड़ी बुलाते पहुंचते उस तक. अच्छा मुझे क्या लग रहा था ना कि अभी आराम से 15 एपिसोड और आएंगे, लेकिन मैं गलत था. मैंने मेन मिशन की लिस्ट देखी तो मुश्किल से 5-6 एपिसोड और अगर मैं साइड मिशन ज्यादा करता हूँ तो 7-8 एपिसोड और, उसके बाद खत्म ही है. तो कुछ ही एपिसोड्स की बात है और साइबर पंक के बाद क्या खेलना है ये आप लोग सोच के रखो. और मंकी किंग ये मत बोल देना क्योंकि दो बातें, पहली बात तो कि उस गेम का नाम ब्लैक मिथ वू कॉन्ग है, पता नहीं मंकी किंग कैसे सबको लग रहा है, हो सकता है ये शॉर्ट्स में कहीं देख लिया हो आप लोगों ने कि मंकी किंग नाम है, लेकिन ब्लैक मिथ वू कॉन्ग है पहली बात. और दूसरी बात कि वो गेम 20 तारीख को आएगा, 20 अगस्त
अगले महीने, इस महीने भी नहीं, अगले महीने। तो ऐसे ही ये साल ठंडा पड़ा हुआ, एक तो नए नए गेम्स को पता नहीं क्या हो गया, अभी आ ही नहीं रहा। तो ब्लैक में तो ऑब्वियसली हम लोग खेलेंगे, जिस दिन आएगा उसी दिन, यानी कि 20 या 21 तारीख को जब भी इंडिया में आ जाए तो खेला जाएगा, वो ऑब्वियस है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जब नहीं आ रहा है तो एक महीना तक और अलग अलग गेम्स खेलेंगे, तो सोच के बताना जो मैंने नहीं खेला है अभी तक। तो फिर पैनम से मिलते हैं। एक मिनट, ये वही लड़की है ना जो कि लड़के गई थी रोक से। Hey, Panam. So you're V. Where's my car? तो पैनम की जो कार लूट ली गई है, ये सोची थी कि मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन ही आ रहा हूँ, साथ में एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है? Agree to help me, you'll find out. Oh, no. You will not jerk me around. Tell me where my car is. तो ये मदद करने के लिए तैयार नहीं है, बोल रही है कि बताओ मेरी कार कहाँ है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि थोड़ा चिल मारो यार, बात तो करो अभी। Hey, come on. Calm down. Don't tell me what to do. Fine. Know where to find the cargo and your car. You go alone, you won't get him back. And you could lose something else besides. So let's figure something out. What do you want? तो वी ने इसको बताया कि कार और तुम्हारा जो सामान था वो कहाँ है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अकेले जाओगी तो कार तो मिलने से रही, बल्कि और भी कुछ खो के आ जाओगी। तो इससे अच्छा मेरी बात मानो तो वापस तुम्हारी कार और सामान मिल सकता है। तो इसको मैं बताता हूँ कि एंडर्स हेलमन नाम का आदमी है, उसको उठाने में तुम मेरी मदद करो। One guy I gotta talk to. A corpo traveling by corp convoy. No, I don't do abductions. Besides, you'd need many more bodies and heaps of gear to take a convoy. It's just one AV. Plan route will take it over Jackson Plains. Fuck. In return, info on your cargo. Help in getting back what's yours. You got a deal? I don't know. I... Shit! All right, deal. But if you want your thing done, we'll need to get my Thornton back first. So where is it? तो पैनम को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मुझे अच्छी लगी। तो इसको बता दिया कि एंडर्स हेलमन नाम का आदमी है, उसको किडनैप करने में तुम मेरी मदद करो। तो इसने बोला कि ठीक है, मैं मदद करूंगी, पर पहले मेरी कार लानी होगी, ठीक है? Cars in Rocky Ridge. You're supposed to know where that is. Cars there, goods are there. Nash, you dirt-eating bastard. I will strangle you. तो पैनम को जब पता बताया रॉकी रिज का कि वहां पे तुम्हारी कार है, तो ये समझ गई कि इसकी कार और सामान छीने का काम किसी नैश ने किया और ये नैश को गरिया रही है। तो चलो चलते हैं कार लेने। Rocky Ridge. Let's go. Hang on. I should think this through. अब इसको क्या पता कि V1 Man Army, इसमें तो सोचना क्या है? Yes. We'll need backup. We have one brief stop to make on the way. Want to tell me where? Give me a sec. I should call the client. Convince them to leave the bastard hanging. Going ahead with the deal behind Rogue's back. Brave, I guess. Dumber than a drum. Buzz, hey. Nash is gonna pass you the merch in Rocky Ridge. The thing is, screwed me over. Buzz, I will take care of it. I just need you to give me a chance. Buzz, come on. How many times have I moved things for you? And how many times have I failed? You have my word. After dark? Okay. No, don't call off the meet. Just don't show up. I'll take care of everything. Do you even have to ask? Of course I will. Thanks, boss. You won't regret this. Okay. I have bought us some time. तो नैश जो रोग का सामान छीन कर जिस क्लाइंट को देने जा रहा था उसका नाम बॉस है, और उससे बात कर लिया। पैनम ने बोला कि तुम फिलहाल के लिए डील को ऑफ कर दो और मैं तुम्हारा सामान रात तक पहुंचा दूंगी। वी So, where to now? The Aldecaldo camp. I need to see some of the old clan. Don't seem too excited. That's not your concern. I still have friends there. तो रोग भी नोमैडी थी वी की तरह, और ये अपने क्लैन के पास जा रही है बैकअप के लिए, क्योंकि रॉकी रिज में जाके इसकी जब कार उठाएंगे तो नैश के आदमियों से लड़ने के लिए बैकअप चाहिए। You know, What's gotten into you? Used to ride with nomads too. Truly? I never would have guessed. Yep. Backer clan, back in the day. Didn't work out between us, so I landed in Night City. So we've something in common after all. तो दोनों में similarities भी मिलने लगे, धीरे-धीरे गुण भी मिल जाएंगे, ऐसा क्या है? Good, let's roll. Get in. वैसे जॉनी बोल रहे थे कि रोग के खिलाफ जाके तुम काम कर रहे हो,
या तो तुम कुछ ज्यादा ही हिम्मत वाले हो या बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। तो चलो पैनम के क्लैन से मिलेंगे और कुछ लोगों की मदद लेंगे वहां से और फिर जाएंगे रॉकी रिज कार उठाने के लिए। चलो पैनम फिर। Nice ride, lots of space, practical. Say no more, please. तो पैनम भड़की भी इस कार से क्योंकि इसकी जो कार थी वो नैश के आदमियों ने छीन लिया ना। तो मेरे पास ऑप्शन इससे पूछने का कि तुम ये सब लफड़े में कैसे पड़ गई। How the hell did you land in this mess? I liked the color. The air freshener and booster seat came extra. You know I don't mean the car. What am I supposed to tell you? That I'm not about to let my partner rob me and get away with it? That my fixer made me look like a goddamned fool? What about you? Why do you need that clown from the AV? This particular clown's got intel I need, and I'm running out of time to get it. तो नैश जिसने इसको लूटा वो इसका पार्टनर था, बताओ बेचारी पैनम। So why didn't she tell me she knew about Nash? Rogue, do better not to wonder what her agenda might be. God damn, I can't stand the bitch. तो पैनम गुस्सा हो रही है कि जब रोग जानती थी नैश के बारे में कि नैश ने इसको लूटा है तो बताया क्यों नहीं पैनम को। तो वी ने बोला कि भाई वो रोग क्या चाहती है इसके बारे में ना ही सोचो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए पैनम फिर उसको गरिया रही है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती वो बुढ़िया। तो रोग के बारे में मैं भी बुरा ही बोलता हूँ क्योंकि रोग जब अपने लिए जो काम करती है उसके साथ कांड कर सकती है तो मैं तो अभी नया नया आया हूँ। No what? Screw Rogue. Can't see why you even care. 'Cause I need the money. Don't let her push you around. She's not the only fixer in town. Yet you're only here because she sent you. But I'm not the one bitching about her. You don't know her. Not at all. Did she tell you she was the one to bring me and Nash together? Did she tell you it slipped her mind to mention Nash was Raff and Shiv? तो पैनम बोल रही है कि मुझे ना चाहते हुए रोग के लिए काम करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। और ये वी को बता रही है कि तुम रोग को बिल्कुल नहीं जानते, उसी ने मुझे और नैश को मिलवाया था और उसको पता था कि नैश एक लुटेरों की गैंग जिसका नाम है रैफ एंड शिव उसके लिए पहले काम करता था और उसने मुझे बताया नहीं ये बात। तो लुटेरों की गैंग के लिए पहले काम करता था नैश और अपनी पार्टनर को लूट लिया, सामान और कार दोनों। तो मैं इसको बोलता हूँ कि शायद रोग को नहीं पता होगा कि ये जो नैश है वो रैफ एंड शिव ग्रुप के लिए काम करता है। ये रोग लेकिन फुल ऑफ डाउट है भाई। I not have known that side of him. So make me laugh. A fixer of her standing knows. And Rogue probably knows we're talking about her right now. Nash and I had a role to play in her game. Her plan. That's it. Rogue's a frigid old bitch. That's the truth. तो वी ने बोला कि हो सकता है कि रोग को पता नहीं हो। तो पैनम हंसने लगी, बोली कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोग जैसे फिक्सर को पता नहीं हो नैश के बारे में। और बल्कि वो ये भी जान रही होगी कि हम लोग उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। वो बस अपने प्लान में कठपुतली की तरह लोगों को नचाती है और वो बस बूढ़ी हो चुकी है और कुछ नहीं। तो वैसे पैनम के साथ कार ट्रैवलिंग में अच्छा लग रहा है, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं लगवाना है कि स्किप किया जाए राइड को। तो ये पैनम का पुराना क्लैन, इन लोगों के साथ पहले काम करती थी पैनम। Would you look what the cat dragged in? Is that a ghost or is it just my hangover? Two. Mm-hmm. And who's this? My babysitter. V, this is Scorpion. Mitch. Two old friends. तो ये पैनम के दो पुराने दोस्त हैं, मिच और स्कॉर्पियन, ओके? Not a babysitter. Partner in crime. Mm-hmm. What brings you to these parts, city girl? The big city got too small for her. Do you have any idea how angry the old man's gonna be when he sees you here? I've just come by for a spell. Saul needn't know a thing. तो इनका लीडर सॉल नहीं चाहता कि पैनम यहाँ पर आए। The Raffin screwed me over. I'll get them back, but I need your help. Come with me. We'll thrash them, the four of us. You know, we would do anything for you, sister. But now? Now's hard. Seriously? You won't help? Well, the old man told us to... sit tight and get those generators back up after the batteries went kaput. Generators? You won't help because of some goddamn generators? Is this another joke? फालतू का यहाँ पर आए, ये लोग नहीं आने के लिए तैयार हैं। सॉल ने मना किया। Really could use your help. Not this time. We're needed here. I don't believe this. So you'll stay put because Saul told you to. You couldn't care less about me. Pan Am. This isn't about Saul. It's about the clan. You know that. Listen, we can't leave camp. No chance. But Saul never said a thing about gear. Okay. Well, I'll need that rifle of yours. And some of my own stuff.
Take whatever you want. And take care of yourself out there. Yeah. Thanks, guys. I'll grab the gear, then be out of your hair. तो ये लोग तो नहीं आ रहे लेकिन राइफल ले जाने दे रहे हैं ओके. Looks like you're stuck with me. Mm-hmm. You disappointed? I don't know. Maybe a little, yes. तो थोड़ी सी निराश है पैनम के रेफरेंस से सिर्फ इन दोनों को लड़ना होगा दो और इसके दोस्त नहीं आ रहे साथ में पर एटलीस्ट गन ये सब ले जाने दे रहे हैं ये लोग. Hey Panam, are you staying a while? No, I'll be going again soon. We'll talk next time. Hey Panam. वैसे पैनम ने अपना क्लैन छोड़ा क्यों? वी का तो समझ में आता है कि वी की बन रही नहीं थी क्लैन में इसलिए पैनम का क्या हुआ था? Have you brought someone new? एक मिनट यहाँ से गन खरीद सकते हैं आ जाओ खरीद लेते हैं. Want to see what you got in stock? Browse to your heart's content. तो बाकी सब AR ये सब है. स्नाइपर राइफल मुझे एक बार भी नहीं मिली तो एक स्नाइपर खरीद लेते सस्ता ही है 1630 का ओके काफी सस्ती गन मिल रही है तो असरदार तो है ना टीयर 2 की गन है अच्छा ठीक है अपग्रेड करवा सकते हैं इसको. अच्छा मॉड्स ये सब भी बेच रहा है बॉम्ब ये सब भी है इसके पास बढ़िया और गोलियां भी दे रहा है तो स्नाइपर राइफल ले लेते हैं और गोलियां ले लेते हैं बस. तो स्नाइपर में सिर्फ 175 गोलियां 200 के ऊपर होनी चाहिए तो और खरीद लेते हैं. ओ इतना ही एमओ रख सकते हैं ठीक है चलो कोई नहीं. Have you brought someone new? Does Saul know? Not your concern, friend. तो इस क्लैन के लीडर सॉल का बहुत नाम सुन रहे हैं देख भी लेंगे फिलहाल तो सामान लेके निकलते हैं यहां से. गन तो अच्छी है पहना मुझे दोगी तो बात करो. Will you help me with this? ओके तो ये बॉक्स उठा के लेके जाना है. What's inside? A few odds and ends that should be useful. Take it. All right, that's everything. Let's go. तो इसमें कुछ ऐसे सामान है जो कि मिशन में काम आएंगे. Did you figure out your differences with Saul? Will you come back? तो सब जानना चाह रहे हैं कि पैनम क्या हमेशा के लिए वापस आ गई और सॉल के साथ इसकी जो कहा सुनी हुई थी उसको सॉल्व कर लिया है. तो ऐसा नहीं है पैनम बस सामान लेने आई थी अब जा रही है वापस. पैनम, you'll stop by later, right, honey? Next time, Ellie. I promise. So, I'm off. Yeah. Go on. Go already. Call us sometime. Keep an eye on her, V. Put it in the trunk. ये जो स्कॉर्पियन की जिसने आवाज डाली है, आडिया 2 का वो जो चार्ल्स था उसकी आवाज है. तो फिल आर्मी ऐसा है ये पैनम के साथ जाएंगे इसकी कार लेने के लिए और जो सामान खो दिया है वो लेने के लिए. लेकिन आज नहीं नेक्स्ट एपिसोड में आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं. तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा 7 के लाइक जल्दी से कंप्लीट करिए. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में टाटा.